हाल चाल होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सुबह टाइम हो रहा है 5:30 और अभी का सीन ऐसा है कि चाय वाय का टाइम हो गया। मम्मी को बोल दिया चाय बनाने के लिए। मम्मी लग मतलब पहले बर्तन धोने में फिर चाय बनाई, फिर दूध उबालते फिर चाय बनाई। और विक्की भी आ रखा हमारे घर पे बहुत दिनों बाद आया विक्की। और विक्की क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो जॉब लगने के बाद भूल ही गए बिल्कुल। आई एम अ जॉबलेस पर्सन। विक्की भी अब बिजी रहने लग गया है। जब से उनका पाया तब से नहीं आता अभी और तब नहीं थे। चैनल मेंशन कर दिए गाइस का भी यूट्यूब चैनल इसने खोल लिया। आज एक पहली वीडियो डाली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन चैनल पे भी जाके प्यार बरसा दो जो भी मेरी ऑडियंस है इतनी सारी की। वैसे आज नहाया भी नहीं लेकिन नहाया तो लग रहा हूँ क्योंकि टी शर्ट चेंज कर लिया और मुंह वगैरह धो लिया। नहाने में भाई आलस सा आता है, थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लेते हैं जाके नहाए धोए से लगे तो इसको पहले ऐसे किया था। वो लोशन क्रीम वगैरह लगा था, लोशन लगा था क्योंकि हल्का ठंड का टाइम है ना तो वाइट वाइट सा हो जाता है। अब सही रहेगा। तो अभी चाय वगैरह पीते तो वही पिलाते चाय। और कोई सीन कहीं बाहर जाने का चल रहा है? तो चल कहाँ हर बार मैं ही थोड़ी बताऊँ, कहीं कुछ तू भी आइडिया लगाएगा कहाँ जाएगा कोई प्लान वगैरह। जल्दी बोल कल सुबह पलवे निकलना है। सो जा थोड़ी देर और, इसको बोला कुछ प्लान बनाने के लिए तो मत सो के दिखाना। सोया नहीं था वो नैप, मतलब तो 2 मिनट भी कमर सीधी करके बैठ नहीं सकता ना, कहाँ झुक गया बुढ़ापे में क्या होगा। वो लिटिल नैप। ओए कौन है आ रहा हूँ जा। तो बनानी ये वापस उतर गया पबजी खेलने में। हमारे पास तो पबजी है नहीं भाई, और अकेले खेलेगा। कहीं जाने का प्लान नहीं बनाना तुझसे? बनाना कहाँ? चाप खाने। कब जाएगा फिर? चल एक मैच खेल लेते फिर चलते हैं। पैसे हैं? डच करेंगे ना। कौन टी? डच। डच मींस कौन टी होता है डच? अरे बाप रे, तो कौन टी? कब तक चलेगा ये मैच तेरा? ये दिखा देना वो मैं प्रो प्लेयर हूँ ना, तो किसी को अगर पुश कराना हो क्या करवाना? पुश लेवल अप कराना हो तो मैं करवा दूँगा। अच्छा ठीक है समझ गए ये लोग। मिनीज ऑनलाइन मिन कहाँ भाई, इतनी सारी चीजें हैं। तुम भी तो खा। मैं तो खा ही रहा हूँ सारे, तो गेम से तो हट लगना पड़ा है गेम में। अब ऐसे घर पे बने हुए चिप्स पोहा चाय बेस्ट इवनिंग ब्रेकफास्ट स्नैक्स सॉरी। तो कोई चाप खाने का प्लान था बाहर का लेकिन अब लगता है कि पोस्टपोन हो जाएगा। अब खाएगा उसकी चाप? अब खाएगा चाप तो पेट भर गया, प्लान हो गया कैंसिल। कड़के खाना खाने से यार बाहर का कब तक खाओगे? एक ना एक दिन तो बाहर ही चले जाना है। सुबह विक्की कह रहा वापस घर जाने के लिए, मैं इसको कह रहा हूँ रुक जाए पे भाई आज रात कभी अच्छा नहीं कुछ भी इतना बोलो जो भी होता है जो खेल है। वैसे आपको लग रहा होगा मैं तो बोलता हूँ ऐसी हरकतें करने के लिए लेकिन मैं नहीं बोलता, खुद ही करता है। रुक जाना अबे रुक रहा है तो रुक जा फिर सही। अब्बा नहीं मानेंगे
7:30 बज चुके हैं शाम के, चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं। सभी को बुला लिया मैंने, पार्क वगैरह घूम के आते हैं। प्रशांत भी आ चुका और सभी भी आ चुका। बताओ ना क्या हो गया इससे? तू भी चलेगा क्या? कहाँ चल रहे हो? घूमने भाई, हम ही चलते हैं फिर भाई। हम घूमते टहलते बहलते पार्क आ चुके हैं, यहाँ पे भी आके बैठे हैं। उस साइड थोड़ा घूमते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया, बिना खाना खाने ही आ गया वॉक। देखो इन्हें, ये है ओसू की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां को अंगड़ाई ले फिर कर। नहीं आ जाएगी, मैंने देखी थी आ रही थी रास्ते में थी। देख लो क्या पता, एक आध पड़ी हो क्या पता। चल फिर दे दो चॉकोबार। चॉकोबार ले लो, खिलाई नहीं कल खाएंगे पूरा। ऊपर से आइसक्रीम भी ले लिया, लेकिन तेरी स्टिक छोटी है ना। क्या भाई पड़ता, खानी थोड़ी है। ये हो गई ऊपर की बात, अंदर से रो रहा हूँ। तू भाई घर पहुँच चुका, मम्मी तो अभी भी खाना बनाने में लगी हुई। आज बना लिए सब्जी, दिन की सब्जी तो खाना भी तो रेडी नहीं हुआ है, लेट हो गया खाना बनाने। फ्रिज में पानी रखना स्टार्ट कब होगा? तो गर्मी आ गई, लेकिन अभी भी मेरे घर वाले फ्रिज में पानी नहीं रखते, जुकाम हो जाता है कहते हैं, उनको कहना रहता है। लेकिन मैं बर्फ़ रखता हूँ, थोड़ा बड़ा पानी पीता हूँ। गाइस हमारे घर में दो दो मिक्सी है, लेकिन मम्मी सिलबट्टे पे पीस के मसाला तैयार करती है। क्यों मम्मी? क्यों? इसमें स्वाद आता है ना, मतलब स्वास्थ्य के लिए फायदा करता है। मतलब मशीन, ये देखो एक ये मिक्सी है और एक यहाँ पे है पन्नी के अंदर। दो दो मिक्सी रहते हुए मम्मी यहाँ पे इसको बनाती है। क्योंकि गाइस हम बहुत ज़्यादा देसी बंदे हैं, मैं अब इतना काम करते हुए देखा नहीं जाता, शादी कर ही लेता हूँ। लेकिन मैं तो पाँव पे करूँ। अच्छा मैं तो मम्मी के फायदे के लिए कह रहा था, लेकिन मेरा कोई मोटिव नहीं है इसमें। अच्छा मम्मी की काम में मदद हो जाएगी। तो भाई देख लो, मैंने तो मम्मी की मदद करवा दी, सब्जी बन गया, रेडी हो गया पूरा अच्छे से। आपकी तैयारी कर दिया, क्योंकि हमें हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। सुबह जब खाना खाएंगे थोड़ी देर में, और फिर थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अच्छा सोच रहा हूँ रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के टॉपर बन जाऊँ। पेपर आ रहे ना इस, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और लास्ट ईयर है तो अच्छे नंबरों से पास होंगे इस बार, ग्रेजुएशन कंप्लीट हमारी। फिर ये वाला
हेयर स्टाइल स्कूल टाइम से चलते हुए आ रहा है, तो इसको मैं अब कर दूंगा बिल्कुल चेंज, ऐसे रखूँगा बिल्कुल। खाना बन के रेडी हो चुका, चलते हैं खाना खाते हैं। सुबह इस खाना पीना खा के मैं हो गया हूँ फ्री, अब सोने की तैयारी पे लगते हैं और इसमें पहले पानी भर के लाते हैं। ये जो कॉपर का जगह है मैं इसी में पानी पीता हूँ, इसमें पानी पीने से हमारे पौष्टिक तत्व आते हैं हमारे शरीर में, इसका पानी पीने से हमेशा स्वस्थ रहते हैं, ऐसा मेरे पापा का कहना है। तो इसमें पानी भर लेता हूँ और फिर सोते हैं। और यार पढ़ना भी तो पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ लेता हूँ पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। सो इस ब्लॉग का कर दो यहीं पे एंड, होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। और जो गाइस यार कमेंट करते हैं वीडियो पे, दिल से थैंक यू, आप ये कमेंट का वेट करता रहता हूँ मैं, कब आप कमेंट करो मैं रिप्लाई करूँ, तुरंत रिप्लाई करता हूँ इसलिए। सो ऐसी प्यार बरसाते रहिए कमेंट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।